स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा डॉक्टर्स डे के IMA रोहतक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह ने बीजेपी को लेकर मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष कर तारा सितारा कहा था, जिस पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमें तारा सितारा की संज्ञा दी। मैं उनको बताना चाहता हूं, तारा सितारा जो जी जान से पहले आसमान में चमकते रहते थे। अमित शाह ने बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार के 60 और 40 के मंत्र पर दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि उन्होंने हरियाणा में 75 पार का भी नारा दिया था, सीट आई 40 और अब लोकसभा में 400 पार का नारा दिया है, सीट आई 240 और अब 60 और 40 के कहने से कुछ नहीं होगा। लोगों ने इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। इनके जो नारे होते हैं उनको आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। आपने देखा 75 का नारा, 75 पार का नारा 40 पे रुक गया, 400 पार का नारा 240 पे रुक गया, तो 60 का नारा तो इस रेशो से, इस अनुपात में 60 का नारा तो 30 पे रुकता दिखाई दे रहा है, मगर जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही बता रहा है। अब वो मगर हमारा मानना है कि शायद 30 जो है ये इनका बड़ा, हरियाणा में बदलाव प्रचंड बहुमत के साथ होगा, हरियाणा की जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है। कांग्रेस में सीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर कहा कि विधानसभा का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लोगों से जो भाजपा की सरकार ने 10 साल तक हरियाणा के लोगों से जो छल किया है, देश में विकास में जो प्रदेश सबसे आगे था उसको बेरोजगारी में, अव्यवस्था में देश में सबसे आगे पहुंचाकर और विकास की पटरी से उतारने का काम किया और हर वर्ग की अनसुनी करी, आज जनता दुखी है, जनता बदलाव करेगी प्रचंड बहुमत से। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी सरकार हरियाणा बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत आयुष्मान हेल्थ कार्ड के तहत इलाज में सरकार द्वारा कई करोड़ बिल बकाया होने के कारण 1 जुलाई से इलाज नहीं करने का फैसला लिया गया, ये काफी बड़ी बात है। मैं ये मांग लोकसभा में रखूंगा, हमारी सरकार आने पर आम गरीब का इलाज 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किए जाने का काम भी किया जाएगा। टोटल टीवी के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।